रे भैया नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते शैली भैया, नमस्ते, सब बढ़िया है। तुम बताओ कैसे याद किया? बस भैया एक खबर सुनी, मैंने सोची कि यहाँ पे तो विवेक भैया से बात करनी चाहिए। अच्छा क्या खबर है? भैया हुआ यू है कि आजकल चीनी मांझे सू बिजली के तारन के कटने की खबर आ रही है। अच्छा हाँ भैया, मार्केट में चीनी मांझो खूब बिक रहा है। पहले तो भैया यू बताओ कि यू चीनी माल देश में आ कैसे रहा है? हमने तो सुनी कि वह चीन से हमारी लड़ाई बजी, वासु अभी तक सामान आ रहा है। सैली भैया बात ऐसी है कि चीन से अभी भी हमारे देश में कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और बच्चों के खेलने के खिलौने यानी टॉयज। क्या बात कर रहे हो भैया, हमारे देश के बालक चीनी खिलौने से खेले हैं? हमारे देश में ना बनेगा खिलौने? भैया हमारे यहाँ भी बनते हैं, लेकिन इतने नहीं बनते कि चीनी खिलौनों को जगह ना मिल पाए। क्यों ना बनते इतने? का सरकार कछुना कर रही है मामले में? देखो सैली भैया, चीन के खिलौनों को टक्कर देने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यीडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही एक टॉय पार्क बनाने जा रही है। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 33 में एक टॉय पार्क बनाया जाएगा। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक देश की 134 जानी मानी खिलौना कंपनियां इस टॉय पार्क में जमीन खरीद चुकी हैं। शुरुआत में यहां 410 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। टॉय पार्क में 6000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है। यहाँ हर तरह के छोटे बड़े खिलौने तो बनेंगे। अच्छा। साथ में त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का सामान भी इस टॉय पार्क में बनेगा। यूं तो सही काम है रो भैया। हाँ भैया, दरअसल प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में दुनिया के खिलौना कारोबार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलौना कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए। यूपी का पहला खिलौना क्लस्टर यानी टॉय पार्क यमुना अथॉरिटी तैयार कर रही है। अथॉरिटी के सेक्टर 33 में टॉय पार्क के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन खिलौना उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए चुनी जा चुकी है। तो भैया कितनी कंपनियां आ गई हैं यहाँ एरिया में? देखो यहाँ कंपनियों को निवेश के लिए न्योता तो दिया ही गया, साथ ही यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज भी बनाई गई, जिससे कई बड़ी कंपनियां टॉय पार्क में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए राजी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में यमुना अथॉरिटी के अफसरों के हवाले से यह दावा किया गया है कि अब तक 134 कंपनियों को टॉय पार्क में खिलौना फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है। टॉय पार्क में जमीन लेने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में फनजू टॉयज इंडिया, फन राइड टॉयज LLP, सुपर शूज, आयुष टॉय मार्केटिंग, सनलार्ड एपरल्स, भारत प्लास्टिक, जय श्री कृष्णा, गणपति क्रिएशन और RRS ट्रेडर्स शामिल हैं। जमीन पाने वाली कंपनियां जल्द ही टॉय पार्क में फैक्ट्री लगाने की कार्रवाई शुरू कर देंगी। फिर तो भैया खिलौना ही खिलौना है जाएंगे या एरिया में, चीन से बिना मंगाने पड़ेंगे। भैया यमुना अथॉरिटी के अफसरों का तो यही कहना है कि टॉय पार्क में खिलौना फैक्ट्री लगाने के लिए आगे आई कंपनियां चीन में बने खिलौनों की मार्केट को चुनौती देंगी। अभी देश में खिलौना बनाने वाली लगभग 4000 यूनिट्स हैं, ये सभी MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की कैटेगरी में आती हैं। इन 4000 यूनिट्स में से 90% अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित हैं। इसी वजह से भारतीय खिलौने अपने ही बाजार में चीन जैसे विदेशी खिलौनों से कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरी था कि खिलौनों की लागत कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाए। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में टॉय पार्क बनवाया जा रहा है। UPCM ने राज्य में टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यह कोशिश की है। देखो भैया कोशिश तो बढ़िया है, लेकिन मुझे लगा है कि यहां में अभी टाइम बहुत लगेगा। चलो कोई बात ना, हमारे बालकन के टाइम तक तो खिलौना बनने शुरू है ही जाएंगे। ठीक है भैया, फिर चलें। नमस्ते। नमस्ते भैया।